हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग इंटीग्रेशन का 10 नंबर वीडियो बनाने जा रहे हैं। इसके पहले 9 वीडियो आपका अपलोड हो चुका है इंटीग्रेशन पर, और इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन का ये 6 नंबर वीडियो है। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड रूल 5 पर हम लोग वीडियो देख चुके हैं यहाँ तक, उसके बाद ये मेथड 6 है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन का। तो सब यूं कह लें कि सब्स्टिट्यूशन का ये 6 नंबर वीडियो और पूरे इंटीग्रेशन का ये 10 नंबर वीडियो है। अगर आप इन वीडियो को नहीं देख पाए हैं तो प्लेलिस्ट तैयार है इंटीग्रेशन का, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। ऐसे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सभी वीडियो का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो आज का जो इंटीग्रेशन है, आपको पता ही है कि इंटीग्रेशन का सीरीज चल रहा है अभी, तो आज का इंटीग्रेशन किस फॉर्म में रहेगा, इसमें 2 फंक्शन मल्टीप्लाई के रूप में होंगे। किस रूप में मल्टीप्लाई, एक देखिए ऐसा एफ एक्स, और दूसरा फंक्शन यूं कह लें कि के एफ डैश एक्स डी एक्स, या फिर इंटीग्रेशन एफ डैश एक्स बाई एफ एक्स डी एक्स। एक फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करने पर दूसरा फंक्शन आ जाएगा। जैसे कि यूं कह लें कि एक एग्जांपल के तौर पर हम लोग समझना चाहते हैं, जैसे यूं रहे कॉस एक्स बाई साइन एक्स डी एक्स, तो अगर इसको एफ एक्स कह रहे हैं तो ये एफ डैश एक्स है, और जहां के एक कॉन्स्टेंट होता है। या ऐसा भी हो सकता था सेक स्क्वायर एक्स इंटू टेन एक्स डी एक्स, तो ये एफ एक्स है तो इसका डेरिवेटिव एफ डैश एक्स है। मतलब इसमें इंटीग्रांड जो होगा जिसको आपको इंटीग्रेशन करना है, वह 2 फंक्शन के मल्टीप्लिकेशन के रूप में होगा। मल्टीप्लिकेशन ये भी एक तरह से मल्टीप्लिकेशन ही है, तो मल्टीप्लिकेशन के रूप में होगा, जहां एक फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करने पर दूसरा फंक्शन आ जाएगा। तो इस फॉर्म का इंटीग्रेशन हम लोग आज के वीडियो में पढ़ने वाले हैं। आप क्वेश्चन देखिएगा तो समझ में आएगा, जब हम एक्सरसाइज कराएंगे तो। बस इसमें तब क्या करना होगा कि किसी एक को, इसको एफ एक्स को जेड पुट करेंगे तो ये अपने आप एफ डैश एक्स डी जेड हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन। तो यहाँ आपको 1 to 8 क्वेश्चन दिख रहा होगा, इसी को आज हम लोग सोल्व करेंगे। क्वेश्चन आप देखिए गौर से, तो उसी रूप में है, 2 फंक्शन के रूप में है। एक को हम लोग जेड पुट करेंगे तो दूसरा डी जेड हो जाएगा। तो 1 to 8 नंबर क्वेश्चन, पूरे क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करेंगे एक एक करके। तो आप क्वेश्चन देख लीजिए, प्रत्येक इंटीग्रेशन में आपका 2 फंक्शन का है मल्टीप्लिकेशन के रूप में कि नहीं। तो नंबर 1 पर आते हैं। तो यहाँ हम लोग 3 क्वेश्चन लिए हैं। पहला पर आते हैं कॉस एक्स बाई 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। तो 1 प्लस साइन एक्स को जेड पुट करते हैं, और इसको पुट करने पर डिफ्रेंशिएट करते हैं, देखते हैं दूसरा फंक्शन आता है या नहीं। तो पुट कर दिए यहाँ से 1 प्लस साइन एक्स इक्वल टू जेड। अब 1 का डेरिवेटिव 0, साइन एक्स का कॉस एक्स, जेड का डी जेड बाई डी एक्स। अब देखिए कॉस एक्स डी एक्स हो गया डी जेड। नाउ यहीं से हम लोग लिखेंगे कॉस एक्स डी एक्स हो गया डी जेड बाई, ये इतना को हम लोग जेड बोले थे तो जेड स्क्वायर। अब 1 बाई जेड स्क्वायर डी जेड का इंटीग्रेशन होता है -1 बाई जेड, तो -1 बाई जेड प्लस सी। अब जेड का वैल्यू रख देते हैं तो यह कितना होगा, -1 बाई 1 प्लस साइन एक्स प्लस क्या हो गया, सी हो गया। यही क्या हो गया, आंसर हो गया। दूसरा नंबर एग्जांपल क्या है, साइन एक्स बाई 1 प्लस कॉस एक्स। तो इसको पुट करेंगे तो पुट कर देते हैं 1 प्लस कॉस एक्स इक्वल टू जेड। अब इसको पुट किए तो डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, 1 का डेरिवेटिव 0, कॉस एक्स का -साइन एक्स, और जेड का हुआ डी जेड बाई डी एक्स। तो साइन एक्स डी एक्स क्या लिखा जाएगा, साइन एक्स डी एक्स लिखा जाएगा -dz, समझ रहे होंगे। तो साइन एक्स डी एक्स को -dz लिखेंगे, माइनस बाहर कर दिए dz, और नीचे क्या हुआ, जेड हुआ। 1 बाई जेड dz का इंटीग्रेशन आपको पता है, -log z
प्लस सी हुआ, जेड का वैल्यू रख देंगे तो माइनस लॉग वन प्लस कॉस एक्स प्लस सी हुआ, ये आंसर हुआ। थर्ड नंबर एग्जांपल क्या है, साइन एक्स बाई वन प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, तो यहाँ पुट करेंगे वन प्लस कॉस एक्स इक्वल टू जेड। अब क्या है, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, वन का डेरिवेटिव जीरो, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, जेड का हुआ डी जेड बाई डी एक्स, तो साइन एक्स डी एक्स क्या हो गया, साइन एक्स डी एक्स हो गया माइनस डी जेड, अभी अभी देखे थे हम लोग, तो क्या लिखेंगे माइनस डी जेड बाई जेड स्क्वायर, और अभी इसका इंटीग्रेशन डी जेड बाई जेड स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस वन बाई जेड, माइनस पहले से है तो सिंपल हो जाएगा वन बाई जेड प्लस सी, और जेड का वैल्यू रखेंगे तो क्या हुआ वन बाई जेड का वैल्यू है वन प्लस कॉस एक्स प्लस सी, यही आंसर होगा। यहाँ फिर से तीन एग्जांपल हम लोग लिए हैं, तो x प्लस साइन एक्स और ऊपर है वन प्लस कॉस एक्स, तो इसको हम लोग जेड पुट करेंगे। यहाँ आपका थ्री है, आपका करनी में कितना है तीन है, तो इसका मतलब कितना होगा, इसको जब जेड पुट कीजिएगा तो जेड टू द पावर वन, नीचे में वन बाई थ्री, ऊपर जाकर माइनस वन बाई थ्री, उसका चर्चा बाद में, पहले इसको जेड पुट कीजिए, तो पुट कीजिए जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस साइन एक्स, पुट कर दिए। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे डी जेड बाई डी एक्स, साइन एक्स का हुआ वन, साइन एक्स का हुआ कॉस एक्स, तो सिंपल वन प्लस कॉस एक्स डी एक्स इक्वल टू क्या लिखा जाएगा, डी जेड लिखा जाएगा, तो यहीं से स्टेप ले लेते हैं, नाउ वन प्लस कॉस एक्स डी एक्स को लिख दिए डी जेड, और ये हुआ जेड टू द पावर वन बाई थ्री, जेड टू द पावर वन बाई थ्री, ऊपर ले जाएंगे तो ये क्या होगा, इसी को यहीं पर लिखते हैं जेड टू द पावर माइनस वन बाई थ्री डी जेड, जेड टू द पावर माइनस वन बाई थ्री डी जेड। अब जेड टू द पावर माइनस वन बाई थ्री का इंटीग्रेशन वन ऐड करेंगे तो टू बाई थ्री, और टू बाई थ्री से डिवाइड करेंगे तो यहाँ हो गया टू बाई थ्री जेड, जेड का मतलब एक्स प्लस साइन एक्स, अब पावर कितना हो जाएगा, सॉरी पावर टू बाई थ्री होता है, ये डिवाइड कीजिएगा तो थ्री बाई टू हो जाएगा प्लस सी, आप इंटीग्रेट कर लीजिएगा यही आएगा। यहाँ पर वन प्लस टेन एक्स को जेड पुट कर देते हैं तो पुट वन प्लस टेन एक्स इक्वल टू जेड, अब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वन का जीरो, टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स, और जेड का डी जेड बाई डी एक्स, तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू क्या हुआ डी जेड हुआ, अब यहाँ रख देते हैं ये डी एक्स छूट गया है, डी एक्स सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स क्या हुआ डी जेड हुआ, और ये जेड का पावर वन बाई टू, नीचे में ऊपर जाएगा जेड टू द पावर माइनस वन बाई टू डी जेड, इसमें इसका इंटीग्रेट कीजिएगा तो जेड टू द पावर वन बाई टू, वन बाई टू से डिवाइड करेंगे मतलब टू से मल्टीप्लाई होगा, जेड टू द पावर वन बाई टू मतलब अंडर रूट जेड, जेड का मतलब है वन प्लस टेन एक्स प्लस सी। इसमें देखिए साइन एक्स माइनस कॉस एक्स को जेड पुट कर देते हैं तो पुट साइन एक्स माइनस कॉस एक्स को जेड, साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन कॉस एक्स और कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, तो माइनस माइनस यहाँ प्लस होगा, और जेड का हुआ डी जेड बाई डी एक्स होगा। अब क्या है कि कॉस एक्स प्लस साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू लिखा जाएगा डी जेड, अब देखिए कॉस एक्स प्लस साइन एक्स डी एक्स डी जेड लिखाएगा, ये जेड लिखाएगा, तो वन बाई जेड डी जेड जिसका इंटीग्रेशन लॉग मॉड जेड, तो लॉग मॉड जेड, जेड का मतलब साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस सी, तो ये सिक्स नंबर एग्जांपल हुआ।
और सेवन और एट नंबर एग्जांपल देखिए, ये दोनों को सॉल्व करना है। सेवन नंबर पहले, ये है डी कॉस टू एक्स डी एक्स बाई कॉस एक्स प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। तो नीचे पहले इसको हम लोग ब्रेक कर जाते हैं, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, तो कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स वन होगा, और टू ए बी तो टू कॉस एक्स इंटू साइन एक्स, साइन टू एक्स लिख देते हैं डी एक्स। अब देखिए वन प्लस साइन टू एक्स को जेड पुट करते हैं, पुट वन प्लस साइन टू एक्स इक्वल टू जेड। तो वन को जब वही इसको आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो जीरो साइन टू एक्स का टू कॉस टू एक्स, समझ रहे होंगे डिफ्रेंशिएशन कराया हुआ है, जेड का डी जेड बाई डी एक्स। तो यहाँ से कॉस टू एक्स डी एक्स इक्वल टू कितना होगा डी जेड बाई टू। अब देखिए कॉस टू एक्स डी एक्स को लिखेंगे डी जेड बाई टू, तो वन बाई टू डी जेड, और इसको हम लोग जेड पुट किए हुए हैं तो जेड। अब वन बाई जेड डी जेड का इंटीग्रेशन लॉग मॉड जेड, तो क्या होगा यहीं लिख देते हैं वन बाई टू लॉग मॉड जेड, जेड का मतलब वन प्लस साइन टू एक्स प्लस सी। तो ये आपका सेवन नंबर एग्जांपल हुआ। एट नंबर एग्जांपल यहाँ करा देते हैं, कॉटेक्स प्लस एक्स को जेड पुट कर दीजिए, पुट किए कॉटेक्स प्लस एक्स इक्वल टू जेड। अब इसको पुट किए तो डिफ्रेंशिएट करेंगे, कॉटेक्स का डिफ्रेंशिएशन माइनस कॉस ए का स्क्वायर एक्स प्लस वन इक्वल टू डी जेड बाई डी एक्स। अब देखिए माइनस अगर कॉमन लीजिएगा तो कॉस ए का स्क्वायर एक्स माइनस वन इज इक्वल टू डी जेड बाई डी एक्स, और कॉस ए का स्क्वायर एक्स माइनस वन इक्वल टू कॉट स्क्वायर एक्स, तो माइनस कॉट स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू डी जेड। मतलब अगर सिंपल कॉट स्क्वायर एक्स डी एक्स लिखेंगे तो कितना होगा माइनस डी जेड होगा। अब कॉट स्क्वायर एक्स डी एक्स को माइनस डी जेड लिखेंगे, और कॉट एक्स प्लस एक्स को क्या लिखेंगे जेड, तो जेड डी जेड हुआ। जेड डी जेड का इंटीग्रेशन हुआ कितना, तो जेड स्क्वायर बाई टू माइनस जेड स्क्वायर बाई टू प्लस सी। जेड का वैल्यू रख देते हैं, तो जेड का वैल्यू है कितना माइनस कॉट एक्स प्लस एक्स का होल स्क्वायर बाई टू प्लस सी। तो इस तरह से हम लोग इंटीग्रेशन का दसवां नंबर वीडियो देखे, सब्स्टिट्यूशन का सिक्स नंबर वीडियो देखे, आगे भी अभी सब्स्टिट्यूशन चलेगा, एक और सब्स्टिट्यूशन है, उसके बाद फिर हम लोग इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स देखेंगे। तो आप चैनल पे बने रहिए, वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर करना नहीं भूलिए, और जो विद्यार्थी अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें।